तो दोस्तों फाइनली पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द कराची एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कल की मैच बहुत ही जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है और इस मैच को सिर्फ एक रन से, जी हाँ दोस्तों, इस मैच को सिर्फ एक रन से हार करके इस वर्ल्ड कप में बाहर हो चुकी है। लगभग तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। दोस्तों कल का मैच यूं कहे तो इस वर्ल्ड कप में उलट फेर हर दिन हो रहा है। परसों हमने देखा था कि आयरलैंड जीत गया था इंग्लैंड को हरा करके, और कल हमने देखा पाकिस्तान के इतने बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जिसके आगे हमारी टीम इंडिया भी, जी हाँ टीम इंडिया के भी विकेट डाउन हो गए थे। आज वह बॉलिंग लाइनअप भी, चलो बॉलिंग लाइनअप ठीक ही थी, बट जो बैटिंग लाइनअप थी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मसूद और फिर वो इख्तियार, यानी कि सारे बैटिंग को कोलैप्स कर दिया था जिम्बाब्वे ने और इस मुकाबले को सिर्फ एक रन से जीत करके हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जिम बॉम्बे ने। बट आज जो मैच होने वाला है, ये मैच बहुत ही बड़ा मैच है। यूं कहें तो दो चैंपियन टीम के बीच आज का मैच होगा, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ये दोनों जिस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान होता है, वैसा ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया होता है। राइवलरीज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बड़ा मैच है पूरे वर्ल्ड कप का। यूं कहें तो इंडिया पाकिस्तान के बाद ये सबसे बड़ा मैच होने वाला है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। एशेज की काफी प्रतिबंधित टीम है और साथ ही दोनों ही टीमें ऑन द पेपर काफी स्ट्रांग है। बट आज का वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आज जीत कौन सी टीम जीतेगी, यह प्रिडिक्शन देना बहुत ही मुश्किल है। और आज हमारा प्रिडिक्शन किसकी ओर झुका रहेगा, और आज यदि आप हमारे टीम में जाते हो तो जीत आपकी कंफर्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो टीम बोलेंगे, बाय एस्ट्रोलॉजी, बाय न्यूमरोलॉजी, फैक्ट को, रिकॉर्ड को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए आज आपको एक टीम देंगे जो कि विनर साबित होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए, जानेंगे वीडियो में कि कौन सा एरन फिंच चलेगा, बटलर चलेगा, मोइन अली चलेगा, हेजलवुड चलेगा, मैक्सवेल चलेगा, क्योंकि सारी टीम, दोनों ही टीमें सितारों से भरी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, वीडियो को पूरा देख लीजिए। एक और बात, यदि आप बेट करते हैं तो दोस्तों वन एक्स बेट काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है बेट के लिए और पैसे सेफ रहते हैं। वन एक्स बेट यू की कहे तो बहुत ही बढ़िया है, और यदि आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो एक बार रजिस्टर करने पर आपको यहाँ पे 26,000 तक के, जी हाँ मेरा, अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो तो 26,000 तक के आपको बोनस मिलेगा और आप इसमें आपके पैसे भी सेफ रहेंगे और बहुत ही बढ़िया सर्विस है, लाइसेंस बुक है और बहुत बढ़िया इनका काम है। तो वन एक्स बेट जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और मेरा कोड डाल लीजिए IAMNICK10 और आपको 26,000 तक के बोनस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वन एक्स बेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों मैच की बात करते हैं। और एक और बात, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं की हो तो प्लीज भाई जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारी अपडेट आती है। टेलीग्राम पे ड्रीम 11 टीम भी आती है। टेलीग्राम पे बैट्समैन कैसा खेल रहा है, आगे क्या होगा, सेशन की जानकारी और बेटिंग की जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में सारी चीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों बात करें मैच की, तो आज जो दिन है शुक्रवार दिन है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीमें हैं। इंग्लैंड का स्वामी शुक्र है, ऑस्ट्रेलिया का स्वामी मंगल है। तो इंग्लैंड का स्वामी शुक्र आता है पॉजिटिव पॉइंट लेकर के और ऑस्ट्रेलिया को जाता है एक नेगेटिव पॉइंट। हालांकि दोस्तों मालिक जो जगह की वो ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया तो फेवरेट रहेगी ही रहेगी, लेकिन आज इंग्लैंड को एक पॉजिटिव पॉइंट देते हैं स्वामी ग्रह के हिसाब से। चलिए बात करते हैं जोस बटलर की। जोस बटलर सनी स्वामी है, पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। एरन फिंच शुक्र स्वामी पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। मतलब समझ जाइए भैया, मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज कोई एक टीम का बैटिंग कोलैप्स कन्फर्म होने वाला है और आज का मैच में जो टारगेट रहेगा 160-170 के आसपास टारगेट देखने को मिलेगा। और यदि बात करूं मैं, यदि बात करूं इंग्लैंड यदि बैटिंग फर्स्ट करेगा तो दोस्तों 180 प्लस आज का टारगेट बन सकता है। यदि बात करें दोस्तों न्यूमरोलॉजी की, तो एरन फिंच और बात करूं मैं जोस बटलर की, आज का लकी नंबर 1 है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट लेके आते हैं दोनों ही कप्तानों के लिए। तो भैया आज का जो टीम, यानी कि आज जो कप्तान की कुंडली रहेगी, दोनों ही कप्तान की कुंडली बहुत बढ़िया रहने वाली है, ठीक है। बट टीम कौन सी जीतने वाली है, उसके पहले आपको बता दूं मैं कि 5 फैंटेसी प्लेयर कौन से हैं जो कि आज मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं। पहला नाम आता है दोस्तों जोस बटलर, स्वयं खुद कप्तान का। जोस बटलर की कुंडली भी काफी बढ़िया है और आज के इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ही टॉस जीत सकती है। जी हाँ, इंग्लैंड टॉस जीत सकती है आज के इस मुकाबले में। तो भैया आज आपको जोस बटलर को चूज करना ही करना है, जोस बटलर को चूज करना है। यहाँ पे आज आपको एरन फिंच को भी चूज कर लेना है, एरन फिंच, जोस बटलर। इसके बाद एक नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का, ग्लेन मैक्सवेल को आपको पिक करना ही करना है। हेनरी ब्रुक को पिक करना है, हेनरी ब्रुक एक सरप्राइज हो सकते हैं आज के लिए। इसके पश्चात आपको एक और जो बताता हूँ मैं गेंदबाज, वो रहेगा जोस हेजलवुड।
हेजलवुड और पैट कमिंस का तूफान आ जा सकता है। हेजलवुड और पैट कमिंस, इसके पश्चात यदि बात करूं मैं एक और गेंदबाज यदि इंग्लैंड का लेना चाहे तो मार्क वुड को आप ले सकते हैं, क्रिस वोक्स को आप ले सकते हैं। ये इनकी कुंडली आज काफी बड़ी दिखाई पड़ रही है। तो फाइनल ड्रीम इलेवन टीम आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए, आप टाइम आ चुका है विनर टीम देने का। तो दोस्तों, इस मुकाबले की यदि बात करूँ तो मुकाबला काफी बेहतर होने वाला है, आपका पैसा वसूल होने वाला है, वर्ल्ड कप का फुल मजा आपको मिलने वाला है। और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की झोली में निराशा लिखी है। जी हाँ दोस्तों, इस मैच को इंग्लैंड अपने पक्ष में ले सकता है, इंग्लैंड मुकाबले को जीत के आगे बढ़ सकता है। हालांकि मैच बहुत बढ़िया होगा और फाइनल प्रेडिक्शन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी आफ्टर टॉस के बाद, ठीक है। तो टॉस के बाद फाइनल प्रेडिक्शन रहेगी, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।